We had finished off with, I think, the 14th group. 14th group हमने खत्म कर लिया था और कल जाते जाते मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ठीक है ना? होप सो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा. तो क्या आंसर? अच्छी बात है, आपने अपने आप ही सोचना था. क्वेश्चन दोबारा लिखना. आजकल मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी हो गई है यार, सीधी लाइन बन गई है. तो ठंड में सीधी लाइन बनती है. अच्छा देख, इसी खुशी में ये वाला गलत बन गया. T1, T2, reaction is N2 plus 3H2 gives us 2NH3. Delta H is equal to minus 28 kilojoule per mole. ठीक है? This is concentration of NH3. This is time. That was the question. And I had asked you a very simple thing. What is the relation between T1 and T2? That is, three options were there. First, T1 greater than T2. Second, T1 less than T2. Third, T1 equal to T2. I know maine third option ko first likha tha. Yaad hai mujhe. Anyway, koi farak nahi padta. So, here, what's the answer? Third. यानी कि T1 और T2 सेम है, फिर भी ये ग्राफ डिफरेंट आ रहे हैं. T1 greater than T2. Why? तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, ठीक है, और समझ लो. The answer is this.
ठीक है, अब आप खुद सोच लीजिएगा जो आपने सोचा था वो सही था या गलत था। और देखिए मैं फिर आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू करोगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपकी रैंक आ जाएगी, लेकिन अभी भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया। जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं घर के लिए, एक रोज एक क्वेश्चन बाय चांस हो रहा है, मैं अपनी डिलीबरेटली नहीं कर रहा, वो ऐसा हो रहा है कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जा रहा है, डू इट, सोचो उसको, करो उसे। अगर वो एक एक क्वेश्चन भी करते चले जाओगे तो कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। यहां पर अगर हम इस रिएक्शंस की बात करें तो इस रिएक्शन में वी आर अचीविंग इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन में यहां इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस रिएक्शन में यहां इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, पहले रिएक्शन इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो रहा है, टाइम जल्दी हो रहा है, ओके, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम लेट अचीव हो रहा है, ओके। एक बात बताऊं, इसी पॉइंट से कि यहां पे इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो रहा है, यहां पे इक्विलिब्रियम लेट अचीव हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि विच वन इज द हायर टेम्परेचर। व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, दिमाग में बहुत अच्छी तरह डालो, आपको बताया गया है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस, doesn't make a difference whether it is exothermic or endothermic, rate of every chemical reaction increases with increase in temperature, clear? तो अगर कोई भी reaction होगा, कैसा भी हो, endothermic हो, exothermic हो, reversible हो, irreversible हो, damn it, कोई सा भी reaction हो, अगर उसमें equilibrium आ रहा है तो जितना temperature आप बढ़ाते चले जाएंगे equilibrium achievement का time कम होता चला जाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा। चाहे आप रिएक्शन में कैटलिस्ट डालें तो भी इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो भी इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, इक्विलिब्रियम अचीव होने में लेट हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। पहली बात क्लियर हो गई, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड फास्टर, ये पहली चीज है, ठीक है। दूसरी बात, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन इंक्रीज होता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों इंक्रीज होता है, लेकिन द इंक्रीज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज मोर दैन द इंक्रीज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन परसेंट वाइज। मतलब कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन डबल हो गया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शायद 1.5 टाइम्स होगा, तो इंक्रीज दोनों में है लेकिन इंक्रीमेंट परसेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ज्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन में, और इस वजह से ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक की शिफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी एंडोथर्मिक है, चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम पर उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो यहां पर हमने टेम्परेचर को जब बढ़ाया तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, तो इस वजह से बैकवर्ड रिएक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो गया तो इक्विलिब्रियम अचीव जल्दी होगा, पर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम। दैट्स व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस ग्राफ, ठीक है, इज इट क्लियर? तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो यहां पर इक्विलिब्रियम पर NH3 कंसंट्रेशन ये है, यहां पर इक्विलिब्रियम पर NH3 कंसंट्रेशन ये है, यहां पर इक्विलिब्रियम अचीवमेंट टाइम ये है, यहां पर इक्विलिब्रियम अचीवमेंट टाइम ये है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम अचीवमेंट जल्दी होता है, पर NH3 की परसेंटेज एट इक्विलिब्रियम कम हो जाती है। इज दिस क्लियर? समझ आ गई ये बात? यहां पर हेबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में टेम्परेचर हाई रखना मजबूरी है, 400 डिग्री टेम्परेचर रखना मजबूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत स्लो है, तो इसको स्पीड अप करने के लिए हम इसमें कैटलिस्ट भी डालते हैं और टेम्परेचर भी ज्यादा रखते हैं, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा रखने में इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की परसेंटेज कम हो जाएगी, तो इसीलिए प्रेशर ज्यादा रखते हैं, क्योंकि प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो प्रेशर ज्यादा रखते हैं 20 MPa, यानी कि 200 एटमोस्फेयर के करीब प्रेशर रखा जाता है, और इतने हाई प्रेशर पर जो अमोनिया बनता है। अब इसमें एक और बात है,
ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो यहां पे एक और फैक्टर यूज किया जाता है, अमोनिया इज इजीली लिक्विफायबल गैस, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इस वजह से अमोनिया को अंडर प्रेशर थोड़ा ठंडा करके लिक्विफाई कर देते हैं और उसको रिमूव करते चले जाते हैं. रिमूवल ऑफ अ प्रोडक्ट फेवर्स अ फॉरवर्ड रिएक्शन. तो यहां पे इक्विलिब्रियम के सारे कंसेप्ट लग जाते हैं. ठीक है, so this reaction is termed as Haber's process of manufacture of ammonia. ठीक है, अब एक और छोटी सी बात है, एक टर्म होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, इट इज कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into a form which can be utilized by the plants. That is termed as nitrogen fixation. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कई तरीके का होता है. एक बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. ठीक है, Haber's process of manufacture of ammonia is the most important synthetic नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, जितने भी हैं, उनकी इनिशिएशन Haber's प्रोसेस से होती है. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड द नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्लियर? कोई हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है? The fact here is not 97 or 28. The fact here is endothermic, exothermic. ठीक है? Okay. Clear? So that is what we have as the nitrogen fixation. अच्छा, nitrogen fixation का अमोनिया बनाने का एक और तरीका है, and that we have also done. Heard of? याद है थोड़ा सा calcium cyanamide, calcium cyanamide, nitrolim. बताया था ना? तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम calcium carbide को nitrogen के साथ react कर दें in an electric kiln, electric भट्टी के अंदर react करवा दें, then in that case form CaCN2+C. This mixture is called nitrolim. Now nitrolim also is a nitrogenous fertilizer. यानी कि पूरे के पूरे mixture को आज अच्छा डाल दिया जाता है, कार्बन को remove करने की कोशिश नहीं की जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता. So this is also a nitrogenous fertilizer. ये calcium cyanamide पानी के साथ react करता है और ये बना देता है CaOH twice. और हाँ, cyanamide is very much useful for the acidic soils. क्योंकि यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो एसिडिक सॉइल्स के एसिडिक करेक्टर को भी कम कर देता है. बेसिक सॉइल्स में ये यूज नहीं किया जा सकता. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और अलॉन्ग विद इट बनेगा NH2CONH2. दिस इज कॉल्ड यूरिया. ठीक है, यूरिया फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म अमोनिया प्लस CO2. ठीक है, ये अमोनिया पानी में डिसॉल्व होकर अमोनियम सॉल्ट्स बना देता है एंड दैट इज हाउ नाइट्रोलिम बिकम्स अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. नाउ दिस अगेन कैन बी यूज्ड एज अ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अमोनिया, बट ये Haber's प्रोसेस कंपैरिजन में बहुत कम है. ये सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए ही यूज किया जाता है, अमोनिया प्रिपरेशन के लिए. ये कर सकते हैं इससे. कौन सा Haber's प्रोसेस? Haber's प्रोसेस एक्सपेंसिव क्यों है? तो यहां पर आपको लगता है यहां पर बिना टेम्परेचर के रिएक्शन हो रहा है? तो यहां पर आपने कैल्शियम कार्बाइड भी तो बनाया है. कैल्शियम कार्बाइड को नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस तो है नहीं, ये भी सिंथेटिकली बनाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके. फिर आपने नाइट्रोजन को रिएक्ट करना, तो यहां पर भी अंडर प्रेशर तो होगा ही, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन तो रखोगे ही, फिर कैल्शियम साइनामाइड बनेगा. ठीक है, यहां पर अमोनिया बनेगा. तो Haber's प्रोसेस इज, देखो, एक्सपेंसिव इज इन कंपैरिजन. तो एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू व्हाट?
तो यील्ड हेबर्स प्रोसेस में ज्यादा, सीधा सीधा अमोनिया मिलता जा रहा है, यहां पे तो प्रोसेस भी लंबा है और अल्टीमेटली फालतू में ये चीज वेस्ट भी हो रही है, ठीक है। तो नाइट्रोलियम इज प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं कि ये बनाया नहीं जाता, लेकिन एज अ फर्टिलाइजर ओनली, नॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। वहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन सीधा सीधा रिएक्ट करके हेबर्स प्रोसेस में यूज होते जाते हैं, पर वही बात है ना, नाइट्रोजन भी प्रिपेयर करना पड़ता है, हाइड्रोजन भी प्रिपेयर करना पड़ता है, तो ठीक है। और जब हमने बात की थी वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन की, सोडियम कार्बोनेट की, तो क्या बोला था, अमोनिया इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रिएजेंट हियर। अमोनिया इज नॉट चीप बट इट्स नॉट टू कॉस्टली, इवन नॉट एज कॉस्टली दैट वी कांट यूज इट, नॉट एज चीप दैट वी कैन थ्रो इट ऑफ, ठीक है। सो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। दिस इज अनदर सिंथेटिक मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, द नाइट्रोलिम मेथड। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया तो हो गया, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूज ऑफ अमोनिया। वेरी ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो यही है कि जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनका इनिशिएशन अमोनिया से होता है, प्रिपरेशन अमोनिया से स्टार्ट होती है, तो दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अमोनिया। सेकेंड, अमोनिया इज अ गैस विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, इसको आसानी से अंडर प्रेशर लिक्विफाई किया जा सकता है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। अगर इसको लिक्विफाई एक्सपांड करके इवेपोरेट एंड लिक्विफाई बार बार किया जाए तो भी ये डिकम्पोज नहीं होता, तो अमोनिया इज अ स्टेबल कंप्रेसिबल लिक्विफाइबल सब्सटेंस हैविंग हाई एन्थाल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और ये जो प्रॉपर्टी है ये इसको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होने में हेल्प करती है। वी कैन यूज अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट, बता देता हूं रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो एसीज और फ्रिज के कंप्रेसर्स होते हैं उनमें सीएफसी यूज होता है, ठीक है। सीएफसी की टिपिकल प्रॉपर्टी ये है कि सीएफसी को भी अगर अंडर प्रेशर किया जाए तो वो लिक्विफाई हो जाता है, अगर उसमें से प्रेशर रिमूव किया जाए तो वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंज्यूम करता है। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन का जब कंज्यूम करेगा तो ठंडा हो जाएगा, तो इस तरीके से वो ठंडी गैस एज अ रेफ्रिजरेंट मूव करती है, ठीक है। तो ये कंप्रेसर के अंदर यूज होता है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी अमोनिया की है, अमोनिया भी अंडर प्रेशर लिक्विफाई हो जाएगा, जब इवेपोरेट करेगा तो ये भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंज्यूम करेगा और ठंडा हो जाएगा, तो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज हो जाता है, ठीक है। पर हां, सीएफसी हैज एन एडवांटेज ओवर अमोनिया। सबसे पहला एडवांटेज, सीएफसी आसानी से लिक्विफाई होता है, अमोनिया को प्रेशर ज्यादा चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग, क्लियर। दूसरी बात, सीएफसी बिल्कुल भी कोरोसिव नहीं है, ओके। अगर हम सीएफसी के अंदर, जैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जितने भी है पीछे जो कॉइल्स होती है वो कॉपर की कॉइल्स होती है, जो एसीज की कॉइल आती है जिसके अंदर गैस मूव करती है वो भी कॉपर की होती है, तो एसीज और फ्रिज के अंदर आप कॉपर की कॉइल्स यूज कर सकते हो अगर आप सीएफसी यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप अमोनिया यूज कर रहे हो तो आप कॉपर की कॉइल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, पता है ना, अमोनिया मेटल्स को डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो सीएफसी अगर आप यूज कर रहे हो तो कॉपर कॉइल्स चल जाएंगी, लेकिन अगर अमोनिया यूज कर रहे हो तो कॉइल्स आपको डिफरेंट मटेरियल की बनानी पड़ेगी जो अमोनिया को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। अमोनिया के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, सीएफसी में प्रेशर कंट्रोल्ड होगा। अभी हमारे एसी में, अभी कुछ दिन पहले एसी में प्रॉब्लम हुई थी, तो जो कंपनी से आया उसने बंदे ने पता क्या कहा, सिंपल सी बात बोली, उसने कहा जी आपने क्या किया हुआ है, स्प्लिट एसी लगा रखा है, इधर यूनिट है और इधर स्प्लिट एसी का यूनिट है, तो दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, और उस गैप कम होने की वजह से इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बार बार लीक हो रही है गैस। तो रिजल्ट में उसने क्या किया, दीवार ही थी बस इतनी, उस दीवार यहां से यूनिट से और इंडोर यूनिट के बीच में उसने 1.5 मीटर की पाइप डाली है, उसको कॉइल कर दिया लेकिन 1.5 मीटर की पाइप डाली है, प्रेशर ज्यादा है। अगर अमोनिया की बात करोगे प्रेशर और ज्यादा होगा, क्योंकि अमोनिया को कंप्रेस करना और मुश्किल है, ठीक है। ये प्रॉब्लम, ये तीसरी प्रॉब्लम है आई थिंक अमोनिया की। अब एक और प्रॉब्लम है, सीएफसी की स्मेल नहीं होती, पॉइजनस नहीं है, सफोकेटिंग नहीं है, कंबस्टिबल नहीं है। अमोनिया सफोकेटिंग है,
पॉइजनस आज सच नहीं है कि स्मेल करते ही आप ऊपर पहुंच जाएं, लेकिन ऑब्वियसली गुड फॉर हेल्थ नहीं है, नुकसान तो करता ही, बदबू मारता है। एंड हाँ, अगर अमोनिया को एयर के साथ एक प्रॉपर मिक्सचर में कहीं से गलती से मिक्स हो गया एक पर्टिकुलर रेशो में, तो एक्सप्लोसिव बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स है अमोनिया की। बट यस, इट कैन बी यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, एंड सीएफसी फ्री जो रेफ्रिजरेंट है उनमें अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया इज अ कॉस्टली टेक्नोलॉजी। अमोनिया गैस शायद सीएफसी जितनी कॉस्टली नहीं है, सीएफसी शायद अमोनिया से ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन जो अमोनिया को यूज करने के लिए बाकी जो चीजें चाहिए वो ओवरऑल इसको बहुत कॉस्टली बना देती है। और इसलिए अभी तक मैंने आज तक कोई रेफ्रिजरेटर या एसी नहीं देखा जो सीएफसी फ्री हो, मैंने नहीं देखा। और मजेदार बात पता क्या है, वो डीओज होते हैं सीएफसी फ्री डीओज, ब्यूटेन डाल देते हैं उसमें, एलपीजी, उसमें प्रोपेलेंट एलपीजी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस चीज में एलपीजी कोई नहीं डालेगा, पता चलेगा शॉर्ट सर्किट हुआ, ब्रूम। ठीक है ना, इज इट ओके? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द यूज ऑफ अमोनिया, दैट इज व्हाट वी हैव एज अमोनिया। क्लियर? कुछ पूछना है? और वो जो नहीं होते क्या कहते हैं, जो कई बार होता था वो झाग वाले नहीं होते, बर्थडे के ऊपर लेकर तुम स्प्रे करते रहते हो झाग, या होली वाले रंग में स्प्रे होता है उसमें, तो वो और कुछ टेंशन भी नहीं लेते, सीधा सीधा एलपीजी के सिलेंडर से ही गैस भर देते हैं, बदबू भी आती है साथ में। एलपीजी एज सच लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन इज नॉट स्मेलिंग, इट इज अ ओडरलेस गैस। जो सिलेंडर में है उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है, CH2H5SH, दैट इज द स्मेलिंग सब्सटेंस। तो जब वो स्प्रे करते हैं, जब उसमें से बदबू आती है ना, फौरन पता चल जाता है हाँ, इसने गैस सिलेंडर से, जो एलपीजी वाला सिलेंडर आता है सब्सिडाइज सिलेंडर, उसी से भरा है। ठीक है, हाँ, लीकेज पता लगने के लिए स्मेल डाली जाती है। सो दैट वाज अमोनिया, एंड नाउ लेट्स गेट अलोंग विद द नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन, दैट इज NH2. This compound is called hydrazine. अच्छा, हमने इन सारे compounds के structures कर लिए थे ना? Okay. N2O के NON bond angle भी check कर लिया था, कितना होता है? N2O में NON bond angle कितना है? नहीं होता, याद है, अच्छी बात है, वरना कोई भरोसा नहीं तो फिर सोचने लगते। Now this compound is called hydrazine. अच्छा, हम hydrazine की बात करते हैं, तो hydrazine is a combustible substance. और इसके combustion की खास बात यह है कि अगर इसको burn किया जाए तो इसमें कोई भी solid या liquid residue नहीं बनता, सारे के सारे gaseous residue है, nitrogen बनता है, water vapor बनता है। So hydrazine is a rocket propellant. It is used as a rocket propellant. और यहां पर भी हमारे पास hydrazine के कुछ derivatives हैं जो ज्यादा major use किए जाते हैं, that is something like CH3NH2. This is called MMH, monomethyl hydrazine. So this is a rocket propellant, monomethyl hydrazine. Another one is this, CH3 twice NNH2. This is unsymmetric dimethyl hydrazine. Now these are the commercial rocket propellant that are actually used. ठीक है, वेरी ऑब्वियसली यहां पर ये खुद अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रखे हुए हैं, इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो दीज नीड टू बी मिक्स विद सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जनरली लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्राजीन इज यूज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू मेक द डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हाइड्राजीन का प्रिपरेशन मेथड बहुत सिंपल सा है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड Raschig's process. ठीक है, Raschig's process is, हमारे पास अमोनिया है और इसे रिएक्ट करवा दिया जाता है NaOCl के साथ, सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके NH2
NH2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है NaCl प्लस H2O में। यहां पे क्लोरीन प्लस वन से माइनस वन में जा रहा है, तो क्लोरीन के अंदर प्लस टू टू की ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है। दैट इज कॉल्ड द राशिक्स प्रोसेस। सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द हाइड्राजीन। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट कंपाउंड NH2OH। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन। जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन की बात करते हैं, देन इन दैट केस दिस कंपाउंड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएगा। ये ज्यादा यूज होता है अगेन एज डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड इट इज मोस्टली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन। ठीक है, जब साइक्लोहेक्सानोन को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो ये ऑक्साइम बनाता है, ऑक्साइम रीअरेंज करके कैप्रोलैक्टम बनाता है, और कैप्रोलैक्टम से वी गेट नायलॉन 6। तो ये नायलॉन प्रिपरेशन में यूज होता है। ठीक है, फर्दर ये जो स्पीशी है ये एल्यूमिनियम 3 प्लस के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये एक स्टेबल प्रेसिपिटेबल कॉम्प्लेक्स है, ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, एंड दैट इज हाउ इट इज यूज्ड इन ग्रेविमेट्रिक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम आयंस को एस्टिमेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइन, एन आता है इसमें। So that is hydroxylamine. ठीक है, अच्छा hydroxylamine में nitrogen की oxidation state क्या है? Nitrogen की oxidation state hydroxylamine में -2। चलो check कर, माइनस वन हो गया ना, माइनस ओ प्लस फोर का -2 हुआ या नहीं, प्लस फोर का -2। अगर IIT एडवांस की बात करें तो प्लस फोर का -2 हो गया, IIT मेंस की बात करें तो प्लस फोर का -1 हो गया, और गलती क्या हुई, तुमने सॉल्व नहीं किया। मैं कनपट्टी को बंदूक रख के बोला था कि एक सेकंड में जैसे सेंटेंस खत्म करूं आंसर दे, नहीं बोला था ना, फिर सॉल्व क्यों नहीं किया? क्लियर? तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोक्सिलामीन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट HN3। HN3 is called hydrazoic acid. Hydrazoic acid is the only acidic hydride of nitrogen. Baki jitne bhi hydrides of nitrogen hai, these all are basic. This one is the only acidic hydride of nitrogen. हाइड्रोजन 3 है ना, OH का -1 ले लो चाहो तो, बाद में ही आएगी। ये ले एक मिनट, नाइट्रोजन X, ठीक है, प्लस 2 हाइड्रोजन, ठीक है, OH -1,
Plus minus? अभी क्या आ रहा है? ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं? कंफर्म ना, कन्विंस्ड? ठीक है, देखो बेटा, व्हेनेवर यू गेट अ प्रॉब्लम, तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, कूलली सॉल्व इट, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? मैं पता नहीं, देखो मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स को भी बहुत पढ़ा है, मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी बहुत पढ़ा है। अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करूं तो मेडिकल स्टूडेंट्स में मैं हमेशा ये बोलता था, यू हैव टू डू इट फास्ट, ठीक है? और इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मैं बोलता हूं, अबे क्यों तेज कर रहे हो, यू हैव टू डू इट स्लो, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की अप्रोच में अंतर है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को दे डू नॉट एक्सपेक्ट दे आर गोइंग टू लर्न, इंजीनियरिंग का पर्पस डिफरेंट है, मेडिकल का पर्पस डिफरेंट है। मेडिकल में आपको याद रखना पड़ता है, जब पेशेंट वो ये ऑपरेशन टेबल पे होता तो वहां पे कोई चीज क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता, वहां पर बस पता होता है कि ये करना है, देयर इज नथिंग कॉल्ड सॉल्व, ये करके देख लेते हैं। तो डॉक्टर को करके देखना नहीं होता, डॉक्टर को पता होता है ये करना है, करके देख तो पहले चुके हैं, अब करना है तो उसे याद रखना पड़ता है। इंजीनियरिंग के अंदर ऑप्शंस मिलती हैं। अब ये पाइप चलेगा क्या इतनी दूर तक, चले एक काम करते हैं प्रेशर मार के देख लेते हैं कि फटता या नहीं फटता, इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, ये मेडिकल में नहीं हो सकता। तो दैट इज व्हाई मेडिकल इज लर्निंग, इंजीनियरिंग इज एक्सपेरिमेंटिंग अप्लाइंग। तो इसी वजह से एंट्रेंस टेस्ट भी डिफरेंट है दोनों का। मेडिकल के अंदर जब एंट्रेंस टेस्ट की बात होती है तो वहां पे वो 200 क्वेश्चन 180 मिनट में फेंक देते हैं, और 200 क्वेश्चन 180 मिनट का मतलब है 40 सेकंड एक क्वेश्चन खत्म, पता है तो पता है नहीं तो छोड़ो आगे बढ़ो। इंजीनियरिंग में 90 क्वेश्चन 180 मिनट, ये मेंस है। एडवांस्ड 60 क्वेश्चन 180 मिनट, फर्क समझ में आया? अप्रोच डिफरेंट है, सेम क्वेश्चन होता है इंजीनियरिंग में भी मेडिकल में भी, क्वेश्चंस वही आते हैं, वही लेवल आता है, लेकिन वहां 2 मिनट मिलते हैं, वहां पे 40 सेकंड मिलते हैं, ये फर्क है। ठीक है, ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड इज द ओनली एसिडिक हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है? बाकी सारे ये जितने भी अमोनिया, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलामीन, दे आर बेसिक, ठीक है? जनरली जो कंपाउंड यूज होता है वो हाइड्रोक्सिलामीन नहीं होता, हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड यूज होता है, तो ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक सॉल्ट बनाता है, सारे बनाते हैं ये, हाइड्राजीनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड बनते हैं। हाइड्रोजोइक एसिड एसिडिक है, इसका स्ट्रक्चर जैसे कि हम कर ही चुके हैं, यहां पर ये माइनस होता है, ये प्लस बना देते हैं हम, ये नाइट्रोजन sp3 है, ठीक है? ये नाइट्रोजन sp है, ठीक है? अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इसको भी sp2, इसका sp बना देते हैं, इसका sp2 बना देते हैं, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं, तो इस तरीके से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। बट इस स्ट्रक्चर में ये sp3 है, वो sp है। द ओनली थिंग इज हाइड्रोजोइक एसिड लीनियर नहीं है, बेंट है, और एजाइड आयन की अगर बात करोगे ये लीनियर है, क्योंकि एनीवे ये सेंट्रल नाइट्रोजन, चाहे जो मर्जी स्ट्रक्चर बना लो, ये सेंट्रल नाइट्रोजन sp आएगा, समझ आ गई बात? एजाइड आयन इज लीनियर, हाइड्रोजोइक एसिड इज बेंट, हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज नॉट 180, नाइट्रोजन 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 बॉन्ड इज 180, क्लियर? ठीक है, देखो जब हम इस 15 ग्रुप की बात करते हैं, 16 ग्रुप की बात करते हैं, तो यहां पे मेजर क्वेश्चन स्ट्रक्चर के हैं, रिएक्शंस के नहीं, स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एनसीईआरटी में जितने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, जितने डायग्राम दे रखे हैं, रट मारो, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फिर कह रहा हूं,
मेरे पास भूल के भी ये पूछने मत आ जाना सर कौन सी किताब करनी है, एक ही किताब करनी है एनसीईआरटी। सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे, अगर कर लिया तो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेब में है, और अगर नहीं किया तो भैया वहां पे कुछ नहीं कर सकते। अब बाकी तुम जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, मोटी मोटी किताबें पढ़ लो, वो बेकार है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाले हैं सारे। इस बार भी वही थे, एडवांस में भी और मेंस में भी, सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के आए हुए थे इनऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन मुश्किल आ जाएगा, फिजिकल का हो सकता है ना आए, इनऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चॉइस आपकी है। ठीक है, ओके। हाइड्रोजोइक एसिड भी एक स्टेबल एसिड नहीं है, इट्स क्वाइट अनस्टेबल, क्वाइट इजिली डिकम्पोजेबल, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एक्सप्लोजिव, हल्का सा हिट किया और ये फट जाता है। तो इस वजह से हाइड्रोजोइक एसिड को बना के रखा नहीं जाता, इसको बनाया जाता है। किसी भी एजाइड को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट किया जाए तो हाइड्रोजोइक एसिड बन जाएगा, जैसे कि NaN3 को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर दें तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म NaHSO4 अलॉन्ग विद HN3। बनाओ और कंज्यूम करो, बना के रखना नहीं है। ठीक है, क्या हुआ सर? हाँ जी, किसकी? दो लोन पे और दो बॉन्ड्स। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाया है ना मैंने, अगर मैं इसके साथ डबल बॉन्ड बना दूंगा तो sp2 हो जाएगी, तो इट्स हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली बिटवीन sp2 एंड sp3। ओके, नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लेट्स गेट अलोंग विद द नेक्स्ट कंपाउंड N2O। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, द स्ट्रक्चर दैट वी मेड वॉज NNO। This is what we call as nitrous oxide. सबसे important बात, nitrous oxide polar है। ठीक है, nitrous oxide is isoelectronic with carbon dioxide. ठीक है, clear? तो this is isoelectronic with carbon dioxide. लेकिन हाँ, आई थिंक इस नाइट्रस ऑक्साइड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में वीक वैन डर वाल फोर्सेस हैं, यहां पे डबल डबल इंट्रैक्शन हो जाएंगे। मोलर मास सेम है, ठीक है, मोलर मास इसका थोड़ा सा कम है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम है। ठीक है, नहीं मोलर मास भी सेम आएगा, मोलर मास भी सेम है इसका, मोलर मास एटॉमिक नंबर दोनों सेम है। ओके, हाँ सेम है। ओके, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। अब इस नाइट्रस ऑक्साइड का एक और नाम है लाफिंग गैस। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ यह है कि इट इज डज नॉट क्रिएट अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप नाइट्रस, आप सोचेंगे कि यार बड़ा दुखी हो रहा है, इसको जरा नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा दे, खुश हो जाए, वो खुश नहीं होगा, हंसना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे कि टीयर गैस डज नॉट मेक यू सैड, इन द सेम मैनर लाफिंग गैस डज नॉट मेक यू हैप्पी। इट स्टिमुलेट्स द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाफ्टर। तो ये ब्रेन को स्टिमुलेट करके हंसी प्रोड्यूस कर देता है। बंदा हंस रहा होगा लेकिन उसे ये नहीं पता वो हंस क्यों रहा है। तो इट्स लाइक दैट। ये कहा जाता है कि जब आप व्यक्ति खुश होता है तो ब्रेन नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करके लाफ्टर सेंटर को स्टिंगल करता है, जिससे कि व्यक्ति हंसने लगता है। तो यहां पर खुशी नहीं है बट नाइट्रस ऑक्साइड है, तो बंदा हंसेगा, खुश नहीं होगा। ये एक प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंस है कि अगर जैसे अगर इस क्लास के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ी सी छोड़ दी जाती है देन इन दैट केस एवरीबॉडी वुड स्टार्ट लाफिंग, लेकिन अगर ज्यादा छोड़ दी जाती है देन इन दैट केस पर्सन वुड गेट सफोकेटेड।
क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, और आपको लगता है जब हंसता है व्यक्ति बहुत देर तक तो उसकी सांस फूल जाती है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ब्रीद नॉर्मली वेन यू आर लाफिंग. नाइट्रस ऑक्साइड इन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन, इनफैक्ट एट 100% कॉन्सेंट्रेशन, इज एन एनेस्थेटिक, व्यक्ति को बेहोश कर देता है. एंड इट इज यूज एज एन इट वॉज यूज एज एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री. डेंटिस्ट्री, दांत निकालते हुए. तो डेंटिस्ट्री में नाइट्रस ऑक्साइड वॉज यूज एज एनेस्थेटिक. वही है ना कि अगर ज्यादा डाल दोगे तो बंदा बेहोश हो जाएगा, दर्द नहीं होगा. अगर कम डालोगे तो हंसना शुरू करेगा, मुंह खुल जाएगा, दांत निकल जाएगा. तो एनी वे बेनिफिशियल है. तो दैट इज वॉट इज नाइट्रस ऑक्साइड. अब ये तो हमने इसकी एक बात की. फॉर द नाइट्रस ऑक्साइड, अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड के जार में एक लकड़ी की तीली जलती हुई डाल दें, यानी कि माचिस जला के डाल दें, तो वो बुझ जाएगी. नाइट्रस ऑक्साइड एज सच इज नीदर अ कंबस्टिबल गैस नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबर्शन. ये दोनों में से कुछ भी नहीं है. लेकिन इस नाइट्रस ऑक्साइड की एक बड़ी पिक्यूलियर सी प्रॉब्लम है. अगर माचिस की तीली जला के डालोगे बुझ जाएगी, लेकिन अगर इसमें मैग्नीशियम रिबन जला के डाल दिया तो वो और स्ट्रांगली बर्न करना शुरू कर देगा. क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस, ब्रेक्स अपार्ट टू गिव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. एंड दिस ऑक्सीजन विल बी हैविंग अ हायर परसेंट एज कंपेयर टू द एयर. एयर के अंदर 20% ऑक्सीजन है. नाइट्रस ऑक्साइड ब्रेक करके जो सिस्टम बनेगा इसमें 33% ऑक्सीजन है. तो अराउंड लेट्स से 1.7 टाइम्स ऑफ एयर. तो इस वजह से यहां पर इट विल बर्न इवन मोर स्ट्रांगली. क्लियर? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड की बात है. अच्छा, आपने किसी ने ये वर्ड सुना है, नॉस? फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ नेम ऑफ द कंपनी. द फुल फॉर्म इज नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम्स, नॉस. ठीक है. और आप में से बहुतों ने धूम देखी होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी, और बड़े सारे देखे होंगे. उन सबके अंदर, वो गाड़ियों के अंदर वो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स लगाते रहते हैं. ठीक है. और कई बार सोचा होगा, काश हम अपनी गाड़ी में लगा पाते, अपनी बाइक में लगाते, कितनी तेज चलती है, एंड सो ऑन. डज एनीबडी नो ये नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम वर्क कैसे करते हैं? हाउ डज इट वर्क? हाँ, बटन दबाते वो चालू हो जाता है, लेकिन काम कैसे करता है? जी हमने तो बटन दबाया था. बोलो. बेटा सिस्टम कैसे वर्क करता है ये बताओ. ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो तो दिख गया. अरे यही वाला तो होता है, और कौन सा होगा? नाइट्रस ऑक्साइड बोल तो रहा हूं. ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम वर्क कैसे करता है और ये होता क्या है, क्यों गाड़ी की इतनी पावर बढ़ा देता है. इससे पहले कि हम इस पे आए, तो थोड़ा सा हम इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में समझ लेते हैं. अगर हम एक इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें, तो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है. इस तरीके से सिलेंडर होता है. यहां पर एक पिस्टन होती है, इट इज अटैच टू अ व्हील. दिस इज कॉल्ड क्रैंक शाफ्ट. ये रॉड है जो इस व्हील के साथ अटैच्ड है. ये पिस्टन है. यहां पर एक दो वॉल्व्स हैं, और यहां स्पार्क प्लग है. आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोल इंजन. ठीक है. तो यहां पर इधर से जब ये स्टार्ट होते हैं, जैसे इंजन को आप स्टार्ट करते हैं, तो ये क्रैंक शाफ्ट नीचे मूव करता है, पिस्टन नीचे मूव करती है. जब ये पिस्टन नीचे मूव करती है, तो ये इनटेक वॉल्व है, ये ओपन होता है. इसमें से फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है. ठीक है. इट गेट्स इन द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल. ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहां पे फिल हो जाता है. ये पिस्टन नीचे आ जाती है. अब ये इनटेक वॉल्व बंद हो जाता है. एंड नाउ दिस पिस्टन मूव्स रैपिडली अपवर्ड्स. और बी वेरी क्लियर, जो पिस्टन ऊपर रैपिडली मूव कर रही है, इसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है. इसको ऊपर मूव करने के लिए ही बैटरी, जैसे बताया था ना, बैटरी का मैंने आपको बताया था इंटरनल, वो बैटरी जो पावर देती है, दैट इज 75 एम्पीयर्स. तो 75 एम्पीयर्स ये है कि अगर इस क्रैंक, इस पिस्टन को यहां पर किसी तरीके से ब्लॉक कर दिया, तो ये रॉड टूट जाएगी.
ये शाफ्ट टूट जाएगा, ठीक है। तो इसके कहते हैं क्रैंक, इसे ही क्रैंक बोलते हैं, क्रैंक होता है। तो ये जब ऊपर मूव करता है तो ये बहुत स्ट्रांगली इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस कर देता है। ये एक एडियाबैटिक कंप्रेशन है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और साथ ही साथ जब ये बिल्कुल अल्टीमेटली यहां पहुंचता है तो स्पार्क प्लग एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है एंड दिस एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट एंड एक्सप्लोड्स, एक्सप्लोड करता है, एक एक्सप्लोजन होता है, प्रेशर जनरेट होता है और ये प्रेशर इस पिस्टन को नीचे धक्का मारता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन स्ट्रोक और द पावर स्ट्रोक, ओके। फिर ये नीचे पहुंचता है, उसके बाद ये फिर से ऊपर आता है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाता है एंड द बर्न्ड गैसेस मूव आउट। अब यहां पे कई चीजें हैं जिसको ट्यून किया जाता है, ठीक है। एक होता है टाइमिंग, एक होता है ट्यूनिंग, दो चीजें होती है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमिंग एंड ट्यूनिंग, जिसके लिए कहते हैं एक्सपर्ट बंदे की जरूरत होती है, वो है टाइमिंग और ट्यूनिंग। टाइमिंग क्या करती है, टाइमिंग ये एडजस्ट करती है कि स्पार्क प्लग स्पार्क कब प्रोड्यूस करेगा। अगर इसकी टाइमिंग गड़बड़ा गई तो पूरे इंजन की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पता चलेगा एक्सपेंशन स्ट्रोक चल रहा है और इसने स्पार्क प्रोड्यूस कर दिया, वहीं पे एक्सप्लोजन हो गया, या फिर अभी तक पूरा कंप्रेशन नहीं हुआ, इसने स्पार्क प्रोड्यूस कर दिया फिर गड़बड़ हो गई। हो सकता है कंप्रेशन होने के बाद खिंच गया और तब ये प्रोड्यूस कर रहा तो गड़बड़ हो गई। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पार्क प्लग मस्ट प्रोड्यूस अ स्पार्क एग्जैक्टली व्हेन दिस पिस्टन इज एट द वर्ज एंड, तब उसको स्पार्क प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, तभी मैक्सिमम पावर आएगी। तो इसे कहते हैं टाइमिंग। अब दूसरी चीज है ट्यूनिंग। ट्यूनिंग क्या होती है, यहां पर जो ये इनटेक वॉल्व है, इनटेक वॉल्व के अंदर आपने देखा होगा कार्बोरेटर के अंदर एक पेच होता है, बाइक वगैरह में देखा ना, पेच घुमाता रहता है, मैकेनिक खोलता है उसका पेच को हल्का सा ऐसे घुमा देता है, ऐसे खोल देता है, घुमाता है, पंगे लेता रहता है। बी वेरी क्लियर, वो जो पेच होता है ना, उस पेच का डिजाइन इस तरीके का होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो वो पेच ऐसा होता है, और इस पेच के अंदर इस जगह एक स्लिट होती है नीचे, ठीक है। ये पेच हॉलो है, यहां से खाली है, ये स्लिट जब वो पेच अंदर घुमाता है तो ये स्लिट अंदर की तरफ मूव करती है, ये स्लिट ज्यादा खुल जाती है, जितना वो अंदर शिफ्ट करता जाएगा स्लिट उतनी खुलती जाएगी, जितना वो बाहर करता जाएगा स्लिट उतनी पतली और छोटी होती चली जाएगी। ये स्लिट कंट्रोल करती है कि इसमें इनटेक वॉल्व, इनटेक जब मूव कर रहा है तो इसमें कितना फ्यूल आएगा, इसे जितना बाहर की तरफ कर दोगे फ्यूल इनटेक उतना कम हो जाएगा, इसे जितना अंदर की तरफ पुश कर दोगे फ्यूल इनटेक उतना ही ज्यादा हो जाएगा, क्लियर। अगर आप कभी मैकेनिक के पास गए हो तो मैकेनिक जो खुराफाती मैकेनिक होते हैं ना, वो सीधा सीधा पूछता है जी भाई साहब क्या चाहिए, एवरेज चाहिए या पावर चाहिए या ढंग से ट्यून कर दू, तीन ऑप्शंस होती है, एवरेज, पावर या प्रॉपर ट्यूनिंग। आप कहते हैं यार बहुत खर्चा हो रहा है, पापा ने पैसे देना बंद कर रखा है, तू एक काम कर, टेंशन वेशन छोड़, एवरेज बना दे। क्या करता है, बाहर कर देता है। अब जब ये इनटेक वॉल्व मूव, इनटेक स्ट्रोक होता है तो ये एयर, ये एयर के साथ ये फ्यूल मूव करता है, फ्यूल कम आता है, एयर ज्यादा आती है। जब यहां पे कंबशन होगा तो इट विल एंश्योर कि जितना फ्यूल आया है पूरा बर्न हो जाए, ऑक्सीजन थोड़ी सी एक्सेस में रह जाती है तो फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है, ठीक है। गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है क्योंकि हर स्ट्रोक में फ्यूल कम आ रहा है, लेकिन पावर रिड्यूस हो जाती है क्योंकि एक्सप्लोजन में जब वो झटका मारेगा तो पावर पूरी नहीं देगा, एवरेज बढ़ जाएगी पावर कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, लोग होते हैं अरे छोड़ यार स्पीड बढ़ा, स्पीड देखा जाएगा, बाकी एवरेज होती है कम कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या करता है, नीचे ज्यादा पुश कर देता है। अब ज्यादा पुश कर देता है तो होता यह है कि फ्यूल इनटेक ज्यादा होता है, ऑक्सीजन थोड़ी कम है, इट इंश्योर्स ऑक्सीजन पूरी कंज्यूम हो जाए, फ्यूल चाहे थोड़ा सा बच जाए, उसमें पावर मैक्सिमम आती है लेकिन फ्यूल थोड़ा सा बच जाता है, तो एवरेज रिड्यूस हो जाती है, पावर एनहांस हो जाती है। पावर इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच फ्यूल इज बर्न, ठीक है। एक होता है यार देख मैं नहीं चाहता कि रेड लाइट पे बाइक एम ही रुक जाए, जैसे मेरी बाइक में पहले कभी उसने एवरेज सेट कर दी थी तो वो रेड लाइट पे आप जैसी स्पीड कम करोगे बंद, लेकिन एवरेज अच्छी आ रही है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर तुमने उसको पावर पे लगा रखा तो वो बंद नहीं होगी,
लेकिन एवरेज रिड्यूस रहेगी, धुआं ज्यादा देगी। फिर अल्टीमेटली उसने टैकोमीटर लगा के वाइब्रेशन वगैरह सेट करके थोड़ी सी एवरेज कम की, ठीक है, पावर थोड़ी सी बढ़ गई, अब बंद होना बंद हो गया। नाउ इट इज एट द ऑप्टिमम, पावर भी ठीक है, एवरेज भी ठीक है, ना वो रेसिंग वाली बाइक है और ना ही वो बंद हो रही है। उसका मतलब यह है कि तुमने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया है कि फ्यूल और एयर में एयर जस्ट स्लाइटली ज्यादा है, ठीक है, मे भी थोड़ा सा फ्यूल बच रहा है, मे भी थोड़ी सी एयर बच रही है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट पे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, समथिंग हैज टू बी इन एक्सेस, देन ओनली रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। तो अगर तुम स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट पे कर दोगे देन इन दैट केस कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है। तो इट्स माइंड काइंड ऑफ अ स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट जिसपे वो ले आया है। कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट बी 3 times ऑफ द रिक्वायरमेंट, तब जाके कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है। तो यहां पे उसने एडजस्ट कर दिया है, दैट इज द ट्यूनिंग। 3 तरीके से ट्यूनिंग हो जाती है और यहां पर एक्सपर्टनेस की जरूरत होती है ट्यूनिंग और टाइमिंग में, बाकी सारा का सारा तो वो असेंबली जॉब है, दिमाग वाला जॉब सिर्फ यही है। अब यहां पर फ्यूल इनटेक इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम जितनी ज्यादा होगी उसमें उतना ज्यादा एयर आएगी, और जितनी एयर आएगी उतना ही फ्यूल डाला जा सकता है। तो इसी वजह से जितने बड़ा सिलेंडर बनता चला जाएगा उसमें एयर इनटेक बढ़ता चला जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। बी वेरी क्लियर, जितना बड़ा इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होती है। कार के इंजन की एफिशिएंसी बाइक के इंजन से ज्यादा होती है। पावर सोचो ना कितनी पावर जनरेट करता है और फ्यूल कितना होता है, ठीक है। V6, V8 वो तो ग्रेड्स हैं, वॉल नहीं। तो V6 में वो 6 जो है ना वो एफिशिएंसी वाली बात नहीं, वो पावर है। नंबर ऑफ सिलेंडर्स इज पावर। सीसी जो होता है ना 1.2 लीटर्स, 1000 सीसी, 600 सीसी, वो एफिशिएंसी है। होता क्या है, ये जितने भी सिलेंडर्स होते हैं ना ये सीरीज में लगे होते हैं, और जिस शाफ्ट को ये घुमाते हैं वो शाफ्ट ऐसा नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट रॉड नहीं होती, वो शाफ्ट ऐसे होता है, ऐसे। ये सारे के सारे जो सिलेंडर्स है ना जब गाड़ी चल रही होती है तो सारे एक डिफरेंट स्टेज पे होते हैं, सेम स्टेज पे नहीं होते, ये सिंक्रोनाइज्ड है बट दे आर नॉट इन अ सेम लेवल। एक में अगर पावर स्ट्रोक चल रहा है तो दूसरे में इंटेक चल रहा होगा, तीसरे में कंप्रेशन चल रहा होगा, चौथे में एग्जॉस्ट चल रहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पावर स्ट्रोक चल रहा होगा जो इसको पावर देता रहेगा, बाकी 3 स्ट्रोक को चलाता रहेगा। जितने ज्यादा सिलेंडर्स लगाते चले जाओगे उतने ज्यादा आप पावर स्ट्रोक एट अ टाइम ले सकते हो, और जितने पावर स्ट्रोक एट अ टाइम होंगे उतनी पावर बढ़ती चली जाएगी। तो दैट इज द रीजन ऑफ हैविंग मल्टीपल सिलेंडर्स, ठीक है। और सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो एफिशिएंसी बढ़ा देगी और पावर ऑफ ईच स्ट्रोक बढ़ा देगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीजें चाहिए होती है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी चाहिए होते हैं, सिलेंडर की कैपेसिटी भी चाहिए होती है। क्लियर? चोक का मैकेनिज्म ये होता है एयर का फ्लो रोक देता है। चोक खींचते हो ना तो वो एयर का फ्लो रोक देता है, चोक कर देता है, फ्यूल ज्यादा आता है, इनिशियली फ्यूल ज्यादा आता है, तो फ्यूल ज्यादा आता है तो बर्न हो जाता है, क्योंकि पहले बाइक ठंडी होती है, एयर अगर फ्लो ज्यादा होगा तो वो ठंडी रहती है, तो इसलिए स्टार्ट में गड़बड़ करती है। तो चोक के अंदर यू पुट इट मोर ऑफ द फ्यूल, इनिशिएट इट एंड देन यू हैव टू रिलीज द चोक, क्योंकि फिर एयर का फ्लो कम हो गया ना तो इसलिए कॉन्टिन्यूस नहीं चलेगी, जब तक तुम उसको स्पीड देते रहोगे तब तक चलती रहेगी। अगर कई बार होता था पंगे लेना होता था, बाइक का चोक जनरली हैंडल के पास होता है, ठीक है, तो मेरी बाइक में भी था, किसी ने पंगा लेना होता था ऐसे कर दिया, अब मैं चला रहा हूं बाइक बीच में बार बार बंद हो रही है, समझ ही नहीं आया, मैकेनिक के पास पहुंच गया, मैकेनिक आया चोक सीधी की, हाँ जी लाओ जाओ, बड़ा इरिटेशन होती थी। एक बार पता चला उसके बाद तो पहले मैं वही देखता था, चोक तो नहीं खोल रखी किसी ने, तो ये होता है चोक का मैकेनिज्म। ओके, ठीक है।
तुमने कहा ये तो नहीं सोच लिया मैं पार्ट टाइम मैकेनिक भी करता हूँ? नहीं, मैंने कभी नहीं किए, वो पता है बस. ओके, एनीवे, अब बात आती है. इतना समझने के बाद मैंने आपको ये समझा दिया है कि ये सिलेंडर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना फ्यूल डाल सकते हो. तो किसी भी सिलेंडर के अंदर जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है, अगर आप ये तेल बहा भी दो कि भैया मैं खूब सारा पेट्रोल डालूंगा, तो भी कंबशन तो उतना ही होगा ना जितनी ऑक्सीजन, उससे ज्यादा कंबशन हो नहीं सकता. वेस्ट आप जितना मर्जी कर लो, तो आप पावर एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ा सकते. क्लियर? नाउ अच्छा, इसमें एक चीज होती है जिसे कहते हैं टर्बो चार्जर्स. नाम सुना है? गाड़ी में होता है टर्बो चार्जर्स, कुछ नहीं होता, सिर्फ एयर कंप्रेसर्स होते हैं. सो दैट मोर एयर कैन बी पम्प्ड इनटू इट, दे जस्ट कंप्रेस द एयर. डबल टर्बो चार्ज मतलब भी ज्यादा एयर जाती है तो फ्यूल ज्यादा आ सकता है, इसलिए पावर बढ़ जाती है. ठीक है, अब आते हैं इस पर. नाउ होता क्या है, जब आप नॉर्थ सिस्टम की बात करते हो तो यू आर ड्राइविंग अ बाइक, यू आर ड्राइविंग अ कार एंड यू प्रेस द बटन टू एंगेज द नॉर्थ सिस्टम. अब नॉर्थ सिस्टम क्या करता है, इस इंटेक वॉल्व में जो एयर की सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देता है, और एयर सप्लाई की जगह ये जो नाइट्रोस ऑक्साइड सिलेंडर लगा होता है बाइक के अंदर या कार के अंदर, उसमें से नाइट्रोस ऑक्साइड की सप्लाई शुरू हो जाती है. नाउ नाइट्रोस ऑक्साइड मूव्स इनटू इट, एट द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन नाइट्रोस ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है. डिकम्पोज होकर ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना देता है. अब जो यहां पे मिक्सचर बना है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट एयर के कंपैरिजन में 1.7 टाइम्स ज्यादा है. तो अगर उसका एयर का अमाउंट 1.7 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन का अमाउंट, तो आप 1.7 टाइम्स फ्यूल और ज्यादा डाल सकते हो, पावर सीधी सीधी 1.7 टाइम्स बढ़ जाएगी. समझ आई बात? तो यहां पर ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपने नाइट्रोस ऑक्साइड डाल दिया गाड़ी मॉन्स्टर बन गई, नहीं, नाइट्रोस ऑक्साइड डालने के बाद आपको फ्यूल की सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी एंड देन द पावर वुड इंक्रीज. इज इट क्लियर? ठीक है, नाइट्रोस ऑक्साइड इज नॉट यूज्ड इन लीगल रेसिंग, नॉट बिकॉज वो लीगल रेसिंग में वो अलाउड नहीं है, इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है. नाइट्रोस ऑक्साइड का सिलेंडर आपको लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, नाइट्रोस ऑक्साइड के सिलेंडर का भी तो एक वेट है, कितने सिलेंडर लगाओगे? और एक सीधी सी बात यह है कि एक छोटा सा सिलेंडर या बड़ा सिलेंडर भी कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए पावर नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहां पे जो हम बोलते हैं ना आरपीएम, आरपीएम इज दैट थाउजेंड्स में होती है, थाउजेंड्स में वो ऑसिलेशन कर जाता है ये जो इसकी पिस्टन है. ठीक है, तो कितना एयर कंज्यूम कर जाएगा वो, कितनी नाइट्रोस ऑक्साइड कंज्यूम कर जाएगा एक सिलेंडर, आपको कितना बर्स्ट दे देगा, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा. और वहां पे जब रेसिंग भी होता है तो रेसिंग सर्किट इज समथिंग लाइक 5 किलोमीटर एंड दैट्स 50 लैप्स, 60 लैप्स, तो 250-300 किलोमीटर की रेस होती है कार रेस. तो कहां पे वो लीगलाइज रेसिंग में आप इसको घुसेड़ दोगे, इट वोंट वर्क. ठीक है, तो इस शॉर्ट बर्स्ट के लिए यूज हो सकता है, कॉन्टिन्यूटी के लिए नहीं. ठीक है, दूसरी बात, एक चीज तो ये, अब दूसरी चीज, यहां पर हमने 1.5 टाइम्स पावर इंक्रीज की, लेकिन 1.5 टाइम्स पावर इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर जब ये एक्सप्लोड होगा तो 1.5 टाइम्स प्रेशर भी तो जनरेट करेगा. ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर भी ना मजाक कर रहे हैं, नाइट्रोस ऑक्साइड सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे, एयर में 20% ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर में तो 100% ऑक्सीजन होगी, यहां पे 1.5 टाइम इंक्रीज होगा अगर नाइट्रोस ऑक्साइड लगाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे 5 टाइम्स इंक्रीज होगा. बेटा 5 टाइम्स इंक्रीज करके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देना, गाड़ी रॉकेट नहीं बनेगी, तुम बन जाओगे. क्योंकि सिलेंडर उतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा भैया, 5 टाइम्स का प्रेशर मजाक नहीं होता, फट जाएगा. समझ आई बात? और ऑक्सीजन के साथ दूसरा डिसएडवांटेज, ऑक्सीजन लिक्विफाई नहीं होगा, नाइट्रोस ऑक्साइड आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, तो छोटे से सिलेंडर में बहुत सारा आ जाएगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर इतना बड़ा लगाना पड़ेगा, पता चलेगा फ्यूल टैंक से बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया, और तब भी तुम्हें मिलना कुछ नहीं है, वही 2-4 किलोमीटर ही मिलेंगे. समझे? इज इट क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम्स. हाँ,
बुलेट ट्रेन्स में नाइट्रोस ऑक्साइड या बेटा वेट बढ़ जाएगा, बुलेट ट्रेन्स में फ्यूल यूज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। बुलेट ट्रेन्स के अंदर आप अननेसेसरी वेट इंजन में क्यों डाल के लेके जाओगे, ठीक है? और बी वेरी क्लियर, ऑक्सीजन तब तक नहीं डाला जाता जब तक उसकी नेसेसिटी नहीं होती, ऑक्सीडाइजर अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। तुमने कभी सोचा है कि वो एक बोइंग 747 के ऊपर से सैटेलाइट लॉन्च क्यों करते हैं? उसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि बोइंग 747 उस स्ट्रेटोस्फीयर तक लेके चला जाता है, वहां तक वो एयर यूज कर रहे हैं, ठीक है? ऑक्सीजन कैरी करने की जरूरत नहीं है, वहां से वो अपना फ्यूल और ऑक्सीडाइजर यूज करना शुरू कर देता है। क्लियर? फ्यूल का वेट कम है हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजर का वेट ज्यादा है, तो इसीलिए कोशिश ये होती है कि ऑक्सीडाइजर कम से कम यूज करना पड़े, ठीक है? नाम बोल, नाम बोल, पूछ मत, बता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बाय गुरु ऑब्जर्वेशन, तो गुरु ऑब्जर्वेशन ने जो कहा है हम वही मानेंगे। आपको अगर गुरु ऑब्जर्वेशन ने कुछ बता रखा है तो कृपया हमें बताएं। सिंपल, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई और कंपाउंड है जो आसानी से ऑक्सीजन लिबरेट कर सकता है, लिक्विफाई हो सकता है, मोस्ट वेलकम। हाँ, है एक पोटेशियम सुपरऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, यूज्ड एज अ सॉलिड ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट प्रोपेलेंट्स, यूज्ड एज अ सॉलिड ऑक्सीडाइजर, लेकिन फ्यूल में कैसे डालोगे? और वहां पे इट इज गोइंग टू रिलीज अ सॉलिड रेजिड्यू, पिस्टन जाम कर देगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है? क्लियर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डाल सकते हो, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉब्लम ये खुद फट जाएगा, ठीक है? वेपराइज नहीं होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपराइज फॉर्म में ही फट जाएगा, तो उसको हीट नहीं कर सकते आप। लिक्विड में आप अगर उसको पेट्रोल में डालने की बात करोगे, पेट्रोल में डिजॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम ये है। और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ढूंढो। मैं दो ऑप्शन तो मैंने ही बता दिए, क्या बुलेट गर्म होने के बाद एफिशिएंसी बढ़ती चल जाती है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एफिशिएंसी की है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स में T2 और T1 के बीच में गैप जितना बढ़ता चला जाएगा एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है, इंजन गर्म होने के बाद और एफिशिएंट हो जाता है। अच्छा, एक बात पता है किसी को, कार में कूलेंट क्यों डालते हैं? गलत, गर्म करने से बचाने के लिए नहीं, गर्म रखने के लिए, क्योंकि पानी टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंचाएगा, कूलेंट 140 तक पहुंचा देता है। कभी तुमने कूलेंट का डब्बा देखा है? डब्बे के ऊपर कुछ टेम्परेचर्स लिखे होते हैं रेशो के साथ, पढ़ने की कोशिश ही नहीं की होगी। प्योर कूलेंट 140 तक पहुंचाता है, और रेशो अगर चेंज करते चले जाओ प्योर वाटर 100, तो 140 और 100 के बीच में आप वैरी कर सकते हो। हर गाड़ी के अंदर अलग अलग रेशो होता है कि इतना कूलेंट इतना पानी, क्योंकि उसका इंजन उसी टेम्परेचर के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है? जितना टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। ओके, सो दैट वाज नाइट्रस ऑक्साइड। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं बड़ा अच्छा खासा पढ़ा देता हूं, होप सो आपको याद रहेगा। लिखवाओ मुझको, हट, अपने आप लिखो। हाँ, हाँ, वो तो व्हाट्सएप पे आया था, हाँ मेरे पास है। जब वो उड़ाते हैं ना तो अंदर पैसेंजर नहीं होते, बिना पैसेंजर और बैगेज के सिर्फ एक बैगेज ऊपर जाता है। अब बेटा हर कोई उस चीज के पैसे लेता है जिसके वो ले सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको पैसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, दे विल टेक द मनी इफ दे कैन, सिंपल, और कुछ नहीं होता। अभी
अभी एक छोटी सी अभी पीछे इंसिडेंट हुआ, अरोड़ा सर की बेटी की शादी थी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो उन्होंने ले रखा था ना वेन्यू ले रखा था, होटल पूरा बुक करवा रखा था, तो उन्होंने कहा कि भाई पूजा वगैरह होती है तो वेदी ली जाती है, तो उन्होंने सिंपल सा बोल दिया अरे आपको तो हम वेदी 8 बजे देंगे। कोई लॉजिक नहीं था, पूरा वेन्यू बुक था, अगर वो सुबह 8 बजे दे दे, सुबह 6 बजे दे दें या पूरे दिन के लिए दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बट दे सिंपली सेड हम तो आपको 8 बजे देंगे क्योंकि हम तो 8 बजे ही देते हैं। रीजन, दे जस्ट वॉन्टेड टू मेक मोर मनी। उनके पास वेदी रखी हुई है स्टोर में, बाहर रखने में उनको कोई टेंशन नहीं है, बट दे विल टेक अ चांस, क्या पता पैसे और मिल जाए। वो अलग बात है कि वो भी वहीं के हैं, वो भी वहीं के हैं तो संभल जाता है, बट लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना, जहां भी वो पैसा बना सकते हैं, उनका खर्च नहीं हो रहा, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, बट दे विल टेक इट चांस, ठीक है कि बन जाएगा तो ठीक है। और एक और मजेदार बात बताऊं, मैं बड़ा कई बार देखता हूं तो बड़ा अजीब लगता है, यू हैव टॉक्ड अबाउट सॉस बॉटल, ग्लास बॉटल्स होती हैं, और एक वो पिचकू सा आता है, ठीक है, पिचकू के अंदर आपको आपको मिल कहते हैं कि भैया ये अच्छा है, सस्ता है, ये है, ठीक है, सस्ता होता है वो, ग्लास बॉटल्स महंगी होती है। आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा, दोनों की कॉस्ट होलसेल मार्केट में सेम है, होलसेल मार्केट में उस रैपर की और जो ग्लास बॉटल है कॉस्ट सेम है, जब बिकता है ना तो उस प्लास्टिक वाले के अंदर अंडर द प्रिटेक्स्ट की इसको हैंडल करना आसान है, रिटेलर को कम मार्जिन दिया जाता है, और ग्लास बॉटल में रिटेलर को ज्यादा मार्जिन मिलता है। मार्केट में जाके देखो वो प्लास्टिक वाला कम मिलता है, मुश्किल से मिलता है, ग्लास बॉटल आप जितनी मर्जी ले लो। बड़ी टिपिकल सी स्ट्रैटेजीज हैं ये, है? नहीं वो जो भी है, बट ओनली थिंग इज रिटेल में मैंने जब बिकॉज आई हैड द डीलिंग, मैं चला गया था होलसेल में, तो पता चला कि उन दोनों के बीच में रेट का अंतर नहीं है, जो मर्जी ले लो, ग्लास बॉटल ले लो चाहे ये ले लो, रिटेल में ग्लास बॉटल इज कॉस्टलियर, वो सस्ता है, तो रिटेलर को मार्जिन ग्लास बॉटल में ज्यादा मिलता है, उसमें नहीं मिलता, स्ट्रैटेजी है, और इसीलिए ग्लास बॉटल को ये वो नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, जितने भी एड्स आते हैं उसके आते हैं पिचकू के। ओके एक मिनट यार, हाँ एच, हाँ उसमें भी ऑक्सीजन, कैसे हीटिंग पे पानी उबलता ऑक्सीजन निकलती है, क्या हो गया, हाँ H2O का कैसे बोल ना, सारा सरदर्दी तो उस प्रोसेस की है, बोल प्रोसेस कौन सा, बात खत्म हो गई, बैठ जा आराम से, सारा पैसा उसी प्रोसेस का है बेटा, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाने के लिए 2000 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, वो कहां से लाएगा, और इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तभी तो हम वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं, फ्यूल सेल में हाइड्रोजन डाला जाता है बेटा, वाटर बनता है, वाटर से हाइड्रोजन नहीं बनता। ओके सो दैट वॉज नाइट्रस ऑक्साइड, एंड नाउ वी गेट अलॉन्ग विद द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कंपाउंड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओ भाई आ जाओ यहां पे, उड़ गई तुम्हारी बाइक, और हां ध्यान रखना बाइक के अंदर आप अपनी पल्सर में नॉस सिस्टम नहीं लगा सकते, नॉस सिस्टम लगाने के लिए हार्ले डेविडसन चाहिए, पल्सर में नहीं लगेगी, पल्सर उड़ जाएगी, पल्सर के अंदर तो यह हाल है कि अगर उसको अगर फुल स्पीड पे चला दिया जाए पत्थर आ गया ना रॉकेट बन जाओगे, और हाँ मेरे डैड की मारुति में भी मत लगा देना नॉस सिस्टम, उसके लिए भी BMW चाहिए तब जाके नॉस सिस्टम लग सकता है, हैवी बाइक चाहिए, हैवी कार चाहिए, उतनी पावर बर्दाश्त तो कर सके,
पता चलेगा स्पीड तो तुमने बढ़ा दी 300 और औकात नहीं है उसकी 100 पे चलने की। ओके अब रेसिंग बाइक से बाहर निकल के इंजीनियरिंग पे आ जाओ। यू आर नॉट सपोज टू राइड द बाइक, यू आर सपोज टू मेक द बाइक। इसलिए मेकिंग की बात ध्यान में रखो पर चलाने की मत सोचो। लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के बनाने के मेनली दो तरीके हैं। एक ऑब्सोलीट मेथड है जो पहले कभी यूज होता था, दैट वॉज कॉल्ड बर्कलैंड आईडे प्रोसेस। बर्कलैंड आईडे प्रोसेस। नाउ दिस प्रोसेस वॉज रिएक्टिंग नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, ये बनाता था NO। नाउ दिस वॉज एन एक्सट्रीमली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड दैट्स हाउ इट हैज बिकम ऑब्सोलीट। दिस NO वुड देन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। NO बहुत आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म NO2। दिस NO2 वॉज रिएक्टेड विद वॉटर इन प्रेजेंस ऑफ फर्दर ऑक्सीजन और एयर to form. The Birkeland Aida process is not actually the process of production of nitric oxide. Nitric oxide as such bekaar hai, kisi kaam ki nahi hai. It is the preparation of nitric acid. Before the advent of Haber's process, this was the process which was the first process for the preparation of nitrogen compound. Haber's process से पहले पहले नाइट्रिक एसिड ऐसे बनाया जाता था, फिर नाइट्रिक एसिड से बाकी कंपाउंड्स बनते थे। अब पहले अमोनिया बनता है, अमोनिया से बाकी कंपाउंड्स बनते हैं। ये सिंथेटिकली तो ये यूजलेस प्रोसेस हो चुका, अब इसको कोई यूज नहीं करता, लेकिन नेचुरली ये प्रोसेस अभी भी यूज होता है। ठीक है, नेचुरली में दिस इलेक्ट्रिक स्पार्क इज लाइटनिंग बोल्ट। सो दैट्स what is used for the preparation of nitrogen oxide, nitric oxide in atmosphere. So this is abiotic natural nitrogen fixation. मतलब इसमें कोई living organism include नहीं है, तो इसलिए abiotic हो गया। पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, nature में हो रहा है, तो natural है। तो this is abiotic natural nitrogen fixation. अच्छा एक important बात, acid rain नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं है, एसिड रेन इज बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज बर्कलैंड आइडेज प्रोसेस। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेचुरल एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इस पर भी इस बार शायद एडवांस में एक क्वेश्चन था, नाइट्रोजन वाला था एक क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं आ रहा, देखूंगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, जो आज की तारीख में यूज होता है प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज अ सिंपल प्रोसेस। यहां पे हमारे पास NH3 है, इसको रिएक्ट करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, और जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद वॉटर वेपर। नाउ दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो यहां पे एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता। ठीक है, अब एक छोटा सा काम करो, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो, बैलेंस इट। Thank you.
ठीक है सर, ओके। ये बैलेंस हो गया, गुड। बैलेंसिंग के अंदर ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 6 है। H2SO4 की रेन कैसे होती है? H2SO4 की रेन के लिए पहले हमें सल्फर चाहिए। सल्फर कहां से आता है? जब कोयला जलता है तो कोयले के अंदर सल्फर इज एज एन इम्प्योरिटी। जब कोयला जलता है तो कोयले के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, पहला। दूसरा, जब डीजल ऑयल जलता है, देखो सल्फर जो मेजर पार्ट है दैट इज प्रेजेंट डिजॉल्व्ड इन पेट्रोलियम। बहुत सारा सल्फर पेट्रोलियम में डिजॉल्व्ड है क्योंकि सल्फर इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑयल में डिजॉल्व हो जाता है, पेट्रोलियम में है। जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक गैसोलीन निकलता है। जो डीजल फ्रैक्शन है उसका बॉइलिंग पॉइंट और सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है, तो डीजल फ्रैक्शन में सल्फर मैक्सिमम है, क्लियर। जो डीजल व्हीकल का काला धुआं है वो सल्फर की वजह से है, ओके। अब डीजल के बर्न करने से, कोल के बर्न करने से सल्फर एटमॉस्फेयर में आ गया, ठीक है। अब जो व्हीकल्स हैं, जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं, उनके अंदर जो कंबशन होता है तो उस कंबशन के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी आपस में रिएक्ट कर जाता है, और जब आपस में रिएक्ट करता है तो कुछ थोड़ा सा अमाउंट नाइट्रिक ऑक्साइड का बन जाता है। नाउ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज नॉट मेजर, हम इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में काउंट नहीं कर सकते, बहुत माइनर है। लेकिन यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म एक्टिवेटेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये हाई एनर्जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है एनओ प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एनओ फिर से फ्री है, रिएक्टेंट नहीं है, कैटलिस्ट है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता चला जा रहा है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स करेगा और बारिश के साथ नीचे आ जाएगा, एंड दैट विल बी सल्फ्यूरिक एसिड रेन, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में होता है, और इस बादल को जिसमें ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है उसे कहा जाता है फोटो केमिकल स्मॉग। फोटो केमिकल स्मॉग काला नहीं होता, सफेद होता है, इसके अंदर कोई पार्टिकुलेट मैटर नहीं है, ठीक है। यह है फोटोकेमिकल स्मॉग, और इस तरीके से एसिड रेन होती है। यार वो तो खैर पॉलिटिक्स है। यहां पे जो भी बैनिंग वैनिंग है प्लीज अंडरस्टैंड, वो तुम्हारी सेहत के लिए नहीं हो रहा, वो इकोनॉमी की सेहत के लिए हो रहा है। डीजल के ऊपर सब्सिडी देते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट कम मिलता है। जो बाहर से आता है डीजल और पेट्रोल दोनों का रेट सेम है, डीजल के ऊपर टैक्स कम लगाते हैं, पेट्रोल के ऊपर ज्यादा लगाते हैं, पेट्रोल से कमाई ज्यादा होती है, डीजल से कमाई कम होती है। इसलिए डीजल के ऊपर ये चाहते हैं कि प्राइवेट व्हीकल्स डीजल कम से कम यूज करें, इसलिए पंगा चल रहा है। अदरवाइज दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मथुरा रिफाइनरी एंड ऑल द रिफाइनरीज दे हैव अ कैपेसिटी टू मेक अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, एंड दैट इज क्लीनर देन सीएनजी। उसे कोई सोचता भी नहीं है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट डीजल टू बी प्रमोटेड, उसका रेट बढ़ा नहीं सकते, इसलिए चाहते हैं कि डीजल कम से कम इस्तेमाल हो। आज की तारीख में जो ऑयल का रेट है इंटरनेशनल मार्केट में जितना था उसका 1/5 हो चुका है, ठीक है। और हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी हुई है, हार्डली 10% 20% कम कर दिया ना रेट। 70 रुपए था, आज की तारीख में 60 है, कितना कम कर दिया। अल्टीमेट कमाई हो रही है इस समय, यस अल्टीमेट कमाई, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, बहुत कमाई हो रही है इस समय, कॉफर्स भरे जा रहे हैं। बट आई डोंट, मैं उसको माइंड नहीं करता, कारण ये है कि वी कैन अफोर्ड इट, सैलरी वगैरह के हिसाब से इतना कोई ज्यादा बर्डन नहीं पड़ रहा फ्यूल का किसी पर, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, अल्टीमेटली हमारे ही यूज में आएगा अगर नेता ना खा जाए तो वो कोई ठीक है, वो चलता है। बट फालतू की बकवास बाकी सारी है ये नहीं, और इवन
ठीक है यार, मैं ये नहीं कहता पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन ट्रैफिक कम हो जाएगा. द सर्वे सेज 90 लाख कार्स में से 10 लाख कार्स सड़क पे कम आएंगी. 10 लाख कितना परसेंट हुआ? 10% का. लेकिन वो 10% से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा ट्रैफिक में, बहुत फर्क पड़ जाएगा उससे. आई एम हैप्पी विद दैट. पॉल्यूशन वॉल्यूशन इससे कम नहीं होने वाला, ट्रैफिक कम हो जाए वही बहुत है. ओके बाकी अगर ट्रैफिक कम करना चाहते, पॉल्यूशन कम करना चाहते हो तो इससे बहुत अच्छे तरीके हैं, बट वही ना पैसा कम हो जाएगा फिर उससे. यहां जो इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी टर्म एज फोटोकेमिकल स्मॉग. और यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट. ठीक है, अब यहीं पे एक दो छोटी सी चीजें बता देता हूं. एक चीज ये है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के दो मेथड हैं, एक कहलाता है लेड चैम्बर प्रोसेस और दूसरा कहलाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. लेड चैम्बर प्रोसेस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड इज द कैटलिस्ट और लेड चैम्बर प्रोसेस एक होमोजेनस प्रोसेस है. यहां पे रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट ऑल थ्री आर गैसेस. ठीक है, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द लेड चैम्बर प्रोसेस इज अ गैशियस कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड. ये प्रोसेस है लेड चैम्बर प्रोसेस का भी. ठीक है, और जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 या फिर स्पॉन्जी प्लैटिनम इज यूज एज अ कैटलिस्ट. स्पॉन्जी प्लैटिनम कॉस्टली है, पॉइजन हो जाता है, इसलिए V2O5 इज यूज, बट प्लैटिनम यूज हो सकता है. ठीक है, सो दैट्स द कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट गैसेस है, कैटलिस्ट सॉलिड है, प्रोडक्ट लिक्विड है. ठीक है, SO3 जो बनता है उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब किया जाता है. तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज अ हेट्रोजीनियस प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस इज अ होमोजीनियस प्रोसेस. ये याद रखना. ठीक है, ओके नाउ, तो ये हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रिपरेशन और नाइट्रिक ऑक्साइड के यूज की बात कर ली. ठीक है, यहां पर भी ओस्मोल प्रोसेस के बाद वही नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड ही बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनाया जाता. ठीक है, तो ओस्मोल प्रोसेस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. ठीक है, कुछ पूछना है? ओके, नाउ लेट्स गेट अलोंग विद द नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. दैट इज N2O3. ठीक है, N2O3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम नाइट्राइट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. उसके साथ हीट करने से N2O3 मिल सकता है. N2O3 के दो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों हमने बनाए थे, जिसमें एक में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, एक में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, दैट्स वन थिंग. चलिए एक छोटे से रिएक्शन की बात करते हैं. अगर N2O3 में पानी डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड. देखो तरीका आप सही इस्तेमाल कर रहे हो, यहां तक बना दो, अब इसमें से एक H2O निकाल दो, आंसर आ जाएगा. अच्छा, अब एक सिंपल सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनो, ट्रिक बता रहा हूं मैं.
जब भी किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को हम पानी से रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी से रिएक्ट करते हैं, तो या तो वो रिएक्ट ही नहीं करता, डिसॉल्व नहीं होता, और अगर डिसॉल्व होता है तो एसिड बनाता है, ठीक है, इट फॉर्म्स एन एसिड, इज इट क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वॉटर इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वॉटर इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट. जब भी कोई ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो जो मेटल जो एलिमेंट है पानी की ऑक्सीडेशन स्टेट या पानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता. तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वॉट एवर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन ऑक्साइड, पानी के साथ रिएक्ट करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी. तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि ये जो ऑक्साइड है इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड कौन सा है, वो बना दो. इज इट क्लियर? ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस थ्री. नाइट्रोजन के दो एसिड्स हैं, दोनों में से किसमें प्लस थ्री ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट है? कौन से में है? बन गया आपका, छोड़ो उसको, आपने H2O निकाला था ना, H2O निकालने के बाद क्या बनेगा? गलती कर रहे हो, H2O निकालना है, आपने दो OH निकाल दिए, आपने ये बनाया था NOH थ्राइस. अगर मैं H2O निकालूंगा तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकलेगा ना, तो मेरे पास HNO2 बचेगा ना, या NHO2 बचेगा? ठीक तो कर रहे थे, दिक्कत कहां है? गलती से ध्यान नहीं दिया. ध्यान से कौन ध्यान नहीं देता? टेक केयर नॉट टू टेक केयर, है ना? सो हियर इट फॉर्म्स नाइट्रस एसिड. क्लियर? N2O3 में पानी डालने पे नाइट्रस एसिड मिलता है. इज इट क्लियर? On adding water to an oxide, whatever acid we get, that oxide is called the anhydride of that acid. So N2O3 is the anhydride of nitrous acid. Is it clear? So अगर आपसे कोई पूछता है what is the anhydride of nitrous acid, तो it is N2O3. कई बार ये होता है कि which one is the anhydride of, let us say, HClO3. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विच इज द एनहाइड्राइड ऑफ HClO3, और हमने आपको ऑप्शन दे दिया Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7. HClO3 का कौन सा एनहाइड्राइड है इनमें से? Cl2O5. बहुत सिंपल सा, कि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो प्लस 5 आ रही है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो प्लस 5 निकली है, ये एनहाइड्राइड है. सिंपल, कोई पंगा लेना ही नहीं है. इज दैट ओके? ठीक है, तो N2O3 पानी से रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड प्रिपेयर करता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं. नेक्स्ट कंपाउंड इज NO2. प्रिपरेशन मेथड कर ही चुके हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक. ध्यान रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड भी पैरामैग्नेटिक है, पर वो कलर्ड नहीं है. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है, ब्राउन कलर्ड है. इसका डायमर बन जाता है N2O4. पानी डाल दो.
N2O4 में पानी डाल दो, NO2 में पानी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? किसी में भी डालो, इसमें एक छोटा सा पंगा है, वो ये कि नाइट्रोजन के किसी भी एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं है, ऑफ कोर्स दो बनेंगे, परफेक्ट। यहां पर नाइट्रोजन क्योंकि +4 में कोई एसिड नहीं बनाता, तो यहां पे एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, एक नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू गेट द रिएक्शन ऑफ N2O4 या NO2 विद वॉटर प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, एंड दैट इज व्हाई N2O4 और NO, बस हो गया, बस ठीक है, N2O4 और NO2 इज कॉल्ड अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड विद वॉटर प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, दैट इज नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड, हेंस इट इज कॉल्ड a mixed anhydride. Clear? Koi confusion? Okay then. Moving on to next one. Isme pani dalenge to kya hoga? Obviously. Okay. So that's what we have as nitric acid. Nitric acid का structure आपको पता है? अब मैं आपके सामने कुछ reactions लिख देता हूँ nitric acid. Concentrated HNO3 plus zinc. Concentrated HNO3 plus Cu gives Zn NO3 twice, Cu NO3 twice plus
प्लस NO2। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैंने बैलेंस नहीं किया, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, रेडॉक्स इक्वेशन है, बैलेंस करना आपको आता है, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 प्लस जिंक, डाइल्यूट HNO3 प्लस कॉपर गिव्स ZnNO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस प्लस NO, ठीक है। वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3 जिंक कॉपर गिव्स ZnNO3 ट्वाइस प्लस NH4 प्लस डज नॉट रिएक्ट। अब यहां पर इस ऑब्जर्वेशन से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, क्लियर। पहला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन चेंज से रिएक्शन चेंज क्यों हो रहा है, प्रोडक्ट बदलते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन चेंज से रिएक्शन चेंज क्यों हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, कॉपर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो रहा। यही बोलते हैं ना, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ रिएक्टिव मेटल इट लिबरेट्स हाइड्रोजन। नाइट्रिक एसिड वीक एसिड है, हाँ तो डाइल्यूट में भी कहां हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं आ रहा। तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन चेंज क्यों हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। तीसरा क्वेश्चन, मेटल और एसिड के रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट क्यों नहीं हो रहा। जल्दी बताओ, क्यों? नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है रिसेंटली बॉर्न ऑक्सीजन, नेसेंट इज न्यू बॉर्न, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि नाइट्रिक एसिड पड़े पड़े उसमें से ऑक्सीजन लिबरेट होती जाएगी, फिर ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट डिमांड, ऑन डिमांड। बैलेंस कर लो ना यार, तुम सुनते नहीं हो बात को, मैंने क्या बोला,
कि इस इक्वेशन को मैंने बैलेंस नहीं किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं किया, रिडॉक्स इक्वेशन है, बैलेंस करनी तो मैं आती है, कर लो। बात करते हैं हाइड्रोजन कहां गया, पानी बन गया और कहां गया? ओके, तो मैं आंसर देना शुरू करता हूं। पहला आंसर मैं तीसरा दूंगा, पहले हाइड्रोजन क्यों नहीं बना? देखो बेटा, यहां पर मेटल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट उस सब्सटेंस को रिड्यूस करता है जिसको रिड्यूस करना सबसे आसान हो, ठीक है? नाइट्रेट आयन इज मोर इजीली रिड्यूसेबल देन एच प्लस। जब तक नाइट्रेट आयन है तब तक मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। इज इट क्लियर? नाइट्रेट इज मोर इजीली रिड्यूसेबल, मच मोर इजीली रिड्यूसेबल देन एच प्लस, हेंस द मेटल विल रिएक्ट विद नाइट्रेट बिफोर इट रिएक्ट विद एच प्लस टू रिलीज हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो इस वजह से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेटल इसके साथ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाता, करते हैं। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दो तो वो हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है, ठीक है? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मैग्नीशियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है, उसके पास नाइट्रेट आएगा तो वो नाइट्रेट को रिड्यूस करेगा, एच प्लस आएगा तो उसको भी जाने नहीं देगा, उसको भी रिड्यूस कर देगा। तो इस वजह से मैग्नीशियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है, ठीक है? अच्छा, मजेदार बात, आयरन भी कर देता है। अब आयरन का दिक्कत क्या है? देखो, मेरा एक अंदाजा है, जब रीजंस की बात आती है तो रीजंस बुक में लिखे नहीं होते, रीजन बुक में सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखे होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये बुक का पढ़ा हुआ नहीं है, मेरा रीजन है, गलत हो सकता है सोच के, तुम्हें अच्छा रीजन कोई मिल जाए मुझे बता देना। रीजन जो मैंने कल ही बनाया था, क्योंकि कल मैंने बोला ना मैग्नीशियम और आयरन रिलीज कर देते हैं, तो मैग्नीशियम का तो मैंने रीजन बता दिया, स्टूडेंट ने पूछ लिया सर ये आयरन क्यों नहीं क्यों कर देता है, अब मुझे रीजन पता नहीं था, तो कल मैंने ताजा ताजा रीजन बनाया है। वो ताजा ताजा रीजन ये है कि आयरन की रिएक्टिविटी जिंक और कॉपर के बीच में है, जिंक से कम रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? आयरन नाइट्रिक ये नाइट्रेट को NO2 में कन्वर्ट करता है, और ये मैंने खुद करके देखा है, NO2 में कन्वर्ट करता है, NO में भी कन्वर्ट करता है, लेकिन आयरन NO को NH4 प्लस में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है? वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि NO को NH4 प्लस में कन्वर्ट कर सके, लेकिन आयरन H प्लस को H2 में कन्वर्ट कर सकता है। तो H प्लस टू H2 इज समवॉट इन बिटवीन दीज टू। तो जब आयरन को वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो नाइट्रिक एसिड को उसमें कन्वर्ट करता है, NO में भी कन्वर्ट करता है, NO2 में भी कन्वर्ट करता है, लेकिन उसके फर्दर नहीं जा पाता, उतने में वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है? जिंक NO को भी NH4 में प्लस में कन्वर्ट कर देता है, तो जिंक तो नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड के साथ ही चिपका पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को वो देखेगा भी नहीं। आयरन इसके बाद हाइड्रोजन को देखना शुरू कर देता तो हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, पहला हाइड्रोजन क्यों लिबरेट नहीं होता, दूसरा कॉपर क्यों रिएक्ट नहीं करता, आंसर अभी अभी दिया है, कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है? वो NO को NH4 प्लस में कन्वर्ट कर नहीं सकता, ठीक है? फर्दर हाइड्रोजन को लिबरेट कर नहीं सकता, वो H प्लस को भी कन्वर्ट नहीं कर सकता, और फर्दर कॉपर इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं, तो इसलिए उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा चाहिए, वेरी डाइल्यूट में वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, दूसरा आंसर। अब तीसरा, रिएक्शन क्यों बदल रहा है डाइल्यूशन के साथ? तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? लेट अस से यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी
in which kids are also invited. ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बर्थडे पार्टी नहीं बोल रहा हूं, वरना तुम सवाल पूछोगे बर्थडे पार्टी में किड्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड का क्या मतलब है. मे बी इट्स योर बर्थडे पार्टी, योर बर्थडे पार्टी भी नहीं है, जस्ट अ पार्टी वेयर किड्स आर इन्वाइटेड, क्योंकि योर बर्थडे पार्टी में तो किड्स आर नेवर गोइंग टू बी इन्वाइटेड. ठीक है, सो वॉट यू हैव डन इज टू एंगेज द किड्स, यू हैव कॉल्ड अ चार्ली चैपलिन. बुला लेते हैं ना लोगों को. ठीक है, तो यू हैव कॉल्ड अ चार्ली चैपलिन. तो चार्ली चैपलिन को आपने एक टॉफीज का पैकेट दिया, उसके अंदर 100 टॉफीज है कि भाई बांट देना बच्चों को. ठीक है, अब लेट अस से बच्चे आए उस पार्टी में 10. अब चार्ली चैपलिन को टॉफीज खत्म करनी है, तो पकड़ पकड़े बच्चे को टॉफीज पकड़ाएगा, तो ऑन एन एवरेज हर बच्चे के पास 10 टॉफीज आ जाएंगी. ठीक है, क्लियर, समझ आई बात. लेट अस से बच्चे आ गए 50, तो हर बच्चे को दो दो टॉफी मिल जाएंगी. ठीक है, लेट अस से बच्चे आ गए 200, पार्टी तो फिर बच्चों की हो गई, तुम तो सिर्फ ऑर्गेनाइजर बन गए. ठीक है, अब चार्ली चैपलिन के पास टॉफीज कम है, बच्चे ज्यादा है, तो अब हर बच्चे को जिसको भी मिलेगी, बहुत से बच्चे होंगे जिनको नहीं मिलेगी, लेकिन जिसको भी मिलेगी उसको एक एक टॉफी मिलेगी. Got it clear? समझ आई बात. टॉफीज आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जिंक एंड किड्स आर नाइट्रेट आयंस. ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं, टॉफीज बहुत सारी हैं, तो जो बच्चा पकड़ में आ गया ले बेटा टॉफी खा. सीधा +5 से -3, 8 इलेक्ट्रॉन चिपका दिए गए. समझ आई बात. बच्चे कम है, टॉफी ज्यादा है, नाइट्रेट कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो जो नाइट्रेट पकड़ में आ गया ले फूस दिया इलेक्ट्रॉन्स को उसमें. सीधा +5 से -3. ठीक है, ये मॉडरेट है, 50 बच्चे अभी भी टॉफियां ज्यादा है, हर किसी को 3-3 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिए गए, +5 से +2. ठीक है, यहां पे बच्चे भरे पड़े हैं. अब चार्ली चैपलिन की कीमत बढ़ गई, नहीं दे रहा मैं टॉफी, तो हर बच्चे को मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 1 टॉफी, +5 से +4. समझ आया, एग्जाम्पल समझ में आया, लॉजिक समझ में आ गया, कुछ पूछना है? तो इस तरीके से रिएक्शन डाइल्यूशन के साथ बदलता चला जाता है. यहां पे जिंक के सिर्फ दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, 0 और +2, तो इस वजह से हमें जिंक में वेरिएशन नजर नहीं आ रहा. अगर ऐसा कोई मेटल होता जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपको मेटल में भी वेरिएशन नजर आ जाता. ये वाले में, इसमें कॉपर में, कॉपर वो बच्चा है जो इलेक्ट्रॉन, ये वो चार्ली चैपलिन तो कहता है मैं तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखूंगा, मैं नहीं दे रहा, बच्चे बहुत सारे होंगे तभी दूंगा, थोड़े से बच्चों से ले ही नहीं पाते. ठीक है, जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर इज नॉट. कॉपर को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक और छोटा सा सवाल. हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एक्वारिजिया? सुना है पक्का ना. हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एक्वाफोर्टिस? एक्वाफोर्टिस का मतलब, फोर्टिस मीन्स स्ट्रॉन्ग, द एक्वाफोर्टिस इज स्ट्रॉन्ग वाटर एंड दैट्स कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड को एक्वाफोर्टिस बोलते हैं. ठीक है, एक्वारिजिया, रिजिया इज रॉयल, द रॉयल वाटर. तो रॉयल वाटर के अंदर रॉयल मेटल्स डिजॉल्व हो जाते हैं, समथिंग लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम. ठीक है, व्हाट इज एक्वारिजिया? 1/3 of HNO3. इट इज नॉट 1/3 of HNO3,
It is 3 of HCl plus 1 of HNO3. 3 parts of concentrated hydrochloric acid with 1 part of concentrated nitric acid are mixed. That gives us aqua regia. Okay. What is special about this concentration? Why is it this ratio? भाई साहब मैंने पूछा है जवाब उसे दे रहे हो जबरदस्ती बोलो इस रेशियो का क्या खास है हट इसके बाप ऑक्सीडाइजर के जिन बैठे हैं बड़े सारे फ्लोरीन को भूल गए कंपैरिजन ही नहीं है ओके नाउ क्या मोबिलिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की कहां जरूरत पड़ गई हमें मोबिलिटी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में यूज करते हैं ना तो यहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहां है सुनो ध्यान से जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होती है और सबकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं होती हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मार्केट से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आता है दैट इज समथिंग लाइक 37% कॉन्सेंट्रेटेड और नाइट्रिक एसिड इज समथिंग लाइक 68% कॉन्सेंट्रेटेड तो जब हम उसको 3:1 रेशियो इन वॉल्यूम मिक्स करते हैं देन इट बिकम्स एन इक्विमोलर मिक्सचर तो 3:1 गिव्स एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है स्पेसिफिक इस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ये 3:1 बाय मोल्स नहीं है By volume of acid solutions है तो इसमें जब volume के हिसाब से जब ऐसे mix करते हैं तो moles के हिसाब से वो बराबर आ जाता है Is it clear? Okay. Aqua regia is able to dissolve gold and platinum. Why is it able to dissolve gold? नहीं और भी को कर देता है लेकिन कुछ को नहीं करता सिल्वर एक्वा रिजिया में डिसॉल्व नहीं होता पता है क्यों क्योंकि सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल है एक्वा रिजिया से करने की क्या जरूरत थी कॉइंस को साफ डिसॉल्व करता था हाँ एक्वा रिजिया में वो डिसॉल्व हो जाते हैं कॉपी ये जो आपके नॉर्मल कॉइंस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं सिल्वर नहीं होगा सिल्वर बल्कि गंदा सा हो जाएगा व्हाइट सा हो जाएगा सिल्वर को अगर डिसॉल्व करना तो सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है एचसीएल के बिना हाँ भाई एक्वा रिजिया में गोल्ड क्यों डिसॉल्व होता है व्हाट इज स्पेशल अबाउट एक्वा रिजिया क्या हो गया जल्दी करो आंसर अरे क्या हो गया बोलो क्या हो गया गोल्ड की प्लस वन और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है बताया तो था पर उससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि एक्वा रिजिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज एबल टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गोल्ड और एक्वा रिजिया इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज बिकॉज इक्विमोलर मिक्सचर में जब ये बनते हैं तो ये NOCl बना देते हैं NOCl में Cl प्लस है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इज इट क्लियर तो एक्वा रिजिया इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्लियर फाइन तो आई थिंक हम अब इसमें नाइट्रोजन का समापन घोषित कर देते हैं ठीक है वी आर जस्ट फिनिश्ड ऑफ विद नाइट्रोजन क्या होगा
मैं हमेशा अनएक्सपेक्टेड पढ़ाता हूँ। जब कोई सोचता है कि इस चैप्टर को ये ऐसे ही उड़ा देगा, उसमें तो मैं तसल्ली से पढ़ाता हूँ। जब कोई सोचता है अभी इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, वो फटाफट खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की जब हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस के अलग अलग एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। वी हैव व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। दीज आर द थ्री एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। जब हम व्हाइट फॉस्फोरस की बात करते हैं तो व्हाइट फॉस्फोरस इज मॉलिक्यूलर, इट इज एक्चुअली P4। It is a tetrahedron, P4 unit. इस tetrahedron के trigonal face होने की वजह से इसमें angle strain है। हम ये मान सकते हैं कि यहां पे phosphorus का जो orbital है वो hybridized नहीं हुए, pure P है, लेकिन pure P का angle भी 90 degree का होता है, यहां पे 60 degree का बन गया है। तो इस वजह से इस molecule के अंदर angle strain है। Because of having angle strain, it is extremely reactive. ठीक है, P4 एयर में स्पॉन्टेनियसली जल जाता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर समथिंग अराउंड 37 डिग्रीज, तो ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप जल जाता है। और अगर इसको रखा जाए, बिना हल्का सा भी, लो टेम्परेचर भी रखा जाए, तो ये हल्का हल्का बर्न करता चला जाता है। इस बर्निंग में लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट नहीं, तो इट प्रोड्यूसेस लाइट। सो दिस प्रोडक्शन ऑफ लाइट विदाउट एनी विजिबल और विदाउट एनी ऑब्जर्व इनटेक ऑफ लाइट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। फॉस्फोरेसेंस इज अ ग्लो विदाउट एनी इंसिडेंट लाइट ऑन इट, ठीक है। मजेदार बात, फॉस्फोरस से फॉस्फोरेसेंस वर्ड आया है, लेकिन फॉस्फोरस फॉस्फोरेसेंट नहीं है। फॉस्फोरस की जो लाइट है दैट इज कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस, यहां पे केमिकल रिएक्शन से लाइट प्रोड्यूस हो रही है। फॉस्फोरेसेंस में लाइट स्टोर होती है और बाद में रिलीज होती है। कल जो मैंने तुम्हें बताया था रेडियम, वो फॉस्फोरेसेंट है, ठीक है। जिसमें लाइट पड़ते ही चमकता है वो फ्लोरोसेंट कहलाता है। डिलेड फ्लोरोसेंस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। तो व्हाइट फॉस्फोरस से फॉस्फोरेसेंट वर्ड आया है, लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरेसेंट नहीं है, केमिल्यूमिनेसेंस है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर व्हाइट फॉस्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव है तो इसे स्टोर कैसे करते हैं? इसमें केरोसिन में, पानी में, किसमें? वैक्यूम में रखेंगे, इवेपोरेट हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मॉलिक्यूलर है ना। किसमें रखेंगे? केरोसिन में, पानी में, बेंजीन में, किसमें? केरोसिन में, किसमें बेटा? केरोसिन में सोडियम रखा जाता है, फॉस्फोरस नहीं। और मजेदार बात, फॉस्फोरस को केरोसिन में नहीं रख सकते। अगर रखोगे, फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर है, कोवेलेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, केरोसिन में डिसॉल्व हो जाएगा। व्हाइट फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर वाटर, पानी में। इसे पानी में रखते हैं, ठीक है। Is it clear? White phosphorus बहुत जल्दी react करता है, काफी reactive है, आसानी से evaporate हो जाता है, poisonous है। और एक फालतू की चीज, phosphorus, white phosphorus is an undetectable poison.
Mm. And the person will die of extreme typhoid. Extreme jaundice, ye typhoid. Aise isse ek se mar jayega. To wo severe mar jayega, aur banda yehi sochta rahega jaundice se ya typhoid se mar gaya, mara wo white phosphorus poisoning se. कोई भी रख लो, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए. पानी में ऑक्सीजन नहीं होती, समझ आ गई बात? पानी पानी होता है, ऑक्सीजन नहीं होती उसमें. ऑक्सीजन होती है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. तो अगर वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो वाटर पानी के अंदर भी फास्फोरस ग्लो करता रहेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता रहेगा, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसके साथ, वाटर की ऑक्सीजन के साथ नहीं. हाँ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थोड़ी सी है, तो वो फास्फोरेसेंस, वो केमिल्यूमिनेसेंस शो करेगा. क्या 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 तो पानी में थोड़ी ना डाल के पिलाऊंगा किसी को, टैबलेट खिला दूंगा, व्हाइट कलर की टैबलेट होगी, खा जाएगा बंदा खत्म. बर्न नहीं करेगा, वहां पे आग नहीं लगेगी. वो जो साइंटिस्ट है ना, वो नेशनल ज्योग्राफिक वाले और डिस्कवरी वाले, वो तो यहां तक प्रूव करने में लगे हैं ड्रैगन्स कुड एग्जिस्ट. हाँ, दे आर हैविंग अ टेंडेंसी कि दे वर ईटिंग द फूड दैट हैड फॉस्फोरस इन देयर माउथ, सो दे व्हेन दे वुड ब्लो दैट वुड इग्नाइट एंड दे वुड प्रोड्यूस फ्लेम्स, एंड तो ड्रैगन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. वो तो वहां तक लगे हुए हैं, कुछ भी कर देते हैं. ठीक है, एक बात कहूं, वो कहते हैं ना गुरु ऑब्जर्वेशन, गुरु ऑब्जर्वेशन के मुख से जो भी निकलेगा उसके बाद वो प्रूफ तो कोई भी कर देगा, बट एक बार ऑब्जर्वेशन हो जाना चाहिए कि ऐसा होता है, उसके बाद प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, चलो जी, मिलते हैं कल, और कल हम इस चैप्टर का समापन करेंगे. Thank you.